22 जनवरी जो कि डेथ वारंट के बाद फांसी की तारीख मुकर्रर की गई थी। ऐसे आसार हैं कि 22 तारीख को दोषियों को फांसी ना हो। दया याचिका पर फैसले के बाद 14 दिन का समय होगा जिसके बाद फांसी दी जा सकेगी, इस तरह की खबर इस वक्त मिल रही है। दया याचिका पर फैसले के 14 दिन बाद जो है वो फांसी होगी, यानी कि 22 जनवरी को फांसी नहीं होगी, इस तरह के आसार हैं, ये खबर इस वक्त मिल रही है। आपको ये बता दें हम कि आज ही कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई थी जिसमें दोषी मुकेश ने याचिका लगाई थी। इसमें उसने डेथ वारंट पर रोक की मांग की थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि दया याचिका पर फैसले के 14 दिन बाद फांसी हो सकती है, यानी 14 दिन का वक्त मिलेगा। इस पूरे मामले की डिटेल इस वक्त देने के लिए अनीशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीशा, ओवर टू यू। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में आज जो आर्गुमेंट हुई है कोर्ट ऑफ प्रिजन के प्रोसीजर के ऊपर हुई है। अब यहाँ पर सवाल या बात आखिर ये हुई है कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो एमएचए के लिए आई है और दिल्ली एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो एमएचए के लिए आई हैं और दिल्ली सरकार के लिए राहुल मेहरा जो आए हैं, दोनों ने यही बात कही है कि क्योंकि दया याचिका मर्सी पिटिशन फाइल हो चुकी है, अब 22 जनवरी की जो तारीख है डेथ पेनल्टी की वो वैलिड नहीं रह सकती, क्योंकि जिस दिन प्रेसिडेंट अपना डिसीजन लेंगे उस दिन के बाद कन्विक्ट को 14 दिन देना जरूरी है जो भी उनको आगे कार्रवाई करनी है उसके लिए। तो आज दोनों सरकारों की तरफ से वकीलों ने यही कोर्ट को बताया है कि ये जो पेटिशन फाइल करी गई है मुकेश की तरफ से कि उनकी डेथ पेनल्टी पे स्टे लगा दिया जाए, इस याचिका की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर वैसे ही ये कहता है कि अगर मर्सी पेटिशन फाइल हो जाती है तो स्टे तो फिर डेथ पेनल्टी नहीं हो सकती। यहाँ पे सुनने लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने दोनों सरकारों को इस बात पे लताड़ा है कि ये एक साल से जब 2018 में रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो चुकी थी तब आप लोगों ने इनकी डेथ वारंट जारी करने के लिए कोई प्रोसीजर क्यों नहीं किया, इन लोगों को आपने टाइम पर नोटिस क्यों नहीं दिया, आप लोग इतना डिले क्यों कर रहे थे, ये लताड़ दिल्ली हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दोनों को लगाई है कि तिहाड़ जेल प्रशासन आखिर 1.5 साल तक क्यों सो रहा था, ये सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। लेकिन एक और सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी किया है कि अगर मर्सी पिटिशन सिर्फ मुकेश ने लगाई है, बाकी तीनों ने 7 दिन के भीतर पेटिशन अगर नहीं लगाई है तो फिर क्या बाकी तीनों को फांसी दी जा सकती है अगर मुकेश की दया याचिका पर प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं भी लेते हैं तो। और इस कानूनी पॉइंट पे, इस इशू पे अभी 2 बजे के बाद सुनवाई जारी रहेगी, क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन का जो मैनुअल है, जेल मैनुअल जो है वो ये कहता है कि अगर एक केस में को अक्यूज को फांसी की सजा हुई है तो सभी को साथ में फांसी दी जाएगी। आज यहाँ हाईकोर्ट ने सवाल ये उठाया है कि ये रूल आपने किस तरह से बनाया है, क्या ये रूल सही है कि नहीं, और अगर ये रूल दिल्ली हाईकोर्ट कह देती है कि सही नहीं है तो क्या बाकी तीन जो है मुकेश के अलावा पवन, विनय और अक्षय, क्या उन लोगों को फांसी दी जा सकती है जब तक कि मुकेश की दया याचिका पर सुनवाई प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं भी लेते हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो क्यूरेटिव पिटिशन रिजेक्ट कर दी है मुकेश और विनय की, उन दोनों का क्या होगा और बाकी दोनों का क्या होगा, इस बात पे कानूनी दाव पेचों पे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन ये बात दोनों सरकारें, दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कह चुकी हैं कि 22 तारीख की जो फांसी की तारीख दी गई थी उस डेट पर फांसी नहीं हो पाएगी।